आज हर महीने होने वाली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक वो आज यहाँ पर आयोजित की गई और उस बैठक में जो काम चल रहे हैं, चाहे वो अमृत योजना के अंतर्गत गांवों में सीवरेज और एसटीपी लगाने का कार्य है, चाहे वो एंट्री गेट्स का मामला है, चाहे वो हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगाने की बात है, या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो 66 केवी सबस्टेशन और 32 केवी जो हमारा सबस्टेशन जो 33 केवी सबस्टेशन लग रहा है उनकी समीक्षा की बात है, सभी जो योजनाएं या सभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं समय पर कंप्लीट होने चाहिए और उसके साथ साथ जो काम की कार्य की क्वालिटी है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। क्वालिटी के साथ किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता और यह भी कहा है कि अधिकारी अपने अपने ऑफिस से एसी कमरों से बाहर निकलें और स्पॉट पर जाकर के वहाँ पर जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ कार्य की समीक्षा करें ताकि गुणवत्ता बनी रहे और समय पर कार्य पूरी हो सके। आज सभी जो पंचकूला के उच्च अधिकारी हैं जिला के, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर HSVP हैं या नगर निगम के कमिश्नर हैं, मेयर जो है नगर निगम और अन्य सभी जो अधिकारी थे आज इस बैठक में उपस्थित थे और हमने कहा है कि पंचकूला को स्वच्छ सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा।